हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एम डब्ल्यू एफ गेम्स ऑन पार्ट ऑफ मूसा वर्ल्ड बैट मास्टर में न्यू न्यूट न्यू इवेंट आई है अटैक मैडनेस अटैक मैडनेस नहीं है अटैक मैस है मैस यानी घुचवाला क्या है दिखा रहा है अटैक मैडनेस आपको जो मेगा अटैक पे उसको 10 है उसको टेन पॉइंट मिलने वाला है ब्लॉक अटैक पे तीन और तोड़ने पर दो मिलने वाले है मेरा मतलब है ये इवेंट थोड़ी कंफ्यूजिंग वाली है क्या कन्फ्यूजिंग वाली है कि आपको मेगा अटैक के लालच दे रहा है डोंट गो फॉर मेगा अटैक अगर मेगा अटैक की लालच में स्पिन बढ़ाते गए हाई बेट मारते गए तो लॉस होने के चांसेस है पर मेगा अटैक अगर 20 और 40 की बेट पे पकड़ लोगे तो फ़ायदा है हायर बेट में मेगा अटैक लेने में बहुत नुकसान हो रहा है और लगभग साढ़े सात हजार तक राउंड पर खेलोगे तो आपको एक या दो बार ही मेगा अटैक मिल सकता है उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी यानी मेगा अटैक पकड़ने की कोशिश मत करिए किस तरह से स्पिन करना है अटैक के लिए मैं बताने जा रहा हूँ वन एक्स स्पाइस पिन टेन एक्स टेन एक्स टेन स्पिन टेन एक्स टेन स्पिन ट्वेंटी एक्स ट्वेंटी 20 स्पिन फोर्टी एक्स स्पाइस पिन एटी एक्स स्पाइसपिन यानी इस तरह से स्पिन करना है इन बिटवीन अटैक आता है तो उनको वन एक्स स्पाइस से स्टार्ट कर लेना है क्योंकि वन एक्स अटैक के बाद दूसरा जो अटैक है ये पाँच से सात पिन के अंदर दूसरा अटैक आपको मिल जाता है वो चीज़ का ध्यान रखना है तो उसको हम थोड़ी बड़ी बैट में भी पकड़ सकते हैं और अगर एटी एक्स तक आपको अटैक नहीं मिलता है तो क्या करना है चालीस बैट को ऑटो कर देना है मैंने इसमें हंड्रेड एक्स का बैट नहीं डाला है पर अगर आपको हंड्रेड बैक्स पर जाना है तो एट योर ओन रिस्क जा सकते हो पर मुझे नहीं लगता है कि हंड्रेड की बैट पर जाके खेलना सही रहेगा ये इवेंट थोड़ी डाउटफुल लग रही है लॉस कराएगी हंड्रेड परसेंट लॉस कराएगी पर हो सके उतना कम लॉस करके हम आगे खेले ऐसा मैं चाहता हूँ और इसमें मैंने लिखा है डोंट गो फॉर अ मेगा अटैक यानी मेगा अटैक को पकड़ने के लिए मत जाइए, अगर मेगा अटैक पकड़ने जाएंगे तो लॉस होगा अगर इन बिटवीन मिल जाता है तो हमारा नसीब है सोने पर सुहागा पकड़ लिया अच्छा है समझ लीजिएगा पर उसके पीछे अभी मेगा आ रहा है यानी चार अटैक आ गया है नॉर्मल अब मेगा आएगा ही ऐसा समझ के आप मेगा को पकड़ने के लिए हाई बेट करोगे तो फंस जाओगे आजा जा जा हो जाएगा बुलाती है मगर जाना नहीं है ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें अच्छा इसके साथ इस इवेंट में मैंने एक चीज़ ध्यान दी है उस पर ज़रा नोट करिए जैसे रेड आती है तो रेड के बाद तीन नंबर पाँच नंबर सात नंबर दस नंबर और ग्यारह नंबर इस पर थोड़ी बेट हाई कर दीजिए यानी पाँच फाइव एक्सप्रेस पिन कर रहे हैं हम इफ़ यू आर स्पिनिंग ऑन फाइव एक्स एंड रेड कम्प्स यानी रेड आ जाती है तो उसका तीसरा स्पिन थोड़ी हाई बैट करिए यानी पाँच का दस करिए फिर पाँचवा स्पिन दस की जगह बीस करिए वापस पाँच पे चले जाने के बाद फिर सातवा स्पिन बीस की जगह चालीस करिए और फिर थोड़े स्पिन नीचे पाँच पे करने के बाद दसवा स्पिन आता है उसको अस्सी पे मारिए दसवा पे भी नहीं मिला तो ग्यारहवा स्पिन अस्सी मार के अगर नहीं मिलता है तो वापस अपनी जो पैटर्न के हिसाब से चल रहे के वन एक्स फाइव फिन टेन एक्स फाइव उस हिसाब से रोटेशन चालू रखिए पर ये रेड़ के बाद की जो पोजीशन है इसमें अगर एक भी अटैक आपको हायर बेड पे आ गया यानी समझ लो कि आप प्रॉफिट के दायरे में आ गए तो ये रेड़ के बाद एक अटैक हाई बेड पर पकड़ना है वो दिमाग में रख के चलना है अब आपकी रेड़ के बाद कौन सी पोजीशन पे अटैक आता है वो आप पहले देख लीजिए मेरे हिसाब से यही पोजीशन में से कोई भी एक पोजीशन को आपको फिक्स हो जाएगा कि रेड़ के बाद वो आएगा नेक्स्ट उसकी आजू बाजू में आएगा पर रेड़ के बाद अटैक पकड़ना जरूरी है यानी पंद्रह स्पिन के अंदर आपको रेड़ के बाद तो अटैक मिलना ही मिल है अगर अटैक नहीं मिला तो सुनो अगर रेड़ के बाद आपको दस या पंद्रह स्पिन में अटैक नहीं मिला तो लगातार तीन रेड आएगी यानी चार रेड़ भी हो सकती है पर तीन रेड तो आएगी अगर अटैक नहीं आया तो लगातार चार रेड़ आती है उसके बाद फिर अटैक पकड़ने के बाद दो तीन अटैक के बाद मेगा अटैक आता है ये चीज़ थोड़ी नोट कर लीजिए और अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए तो बने रहिए एम गेम जोन के साथ आपका प्यार हमें चाहिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एम गेम जोन